नमस्कार, के आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कुंजल सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में कौमी गश्त के दौरान स्थायी वारंटी और वारंटो की धरपकड़ की गई। इसी कड़ी में गढ़ा थाना क्षेत्र में भी उप निरीक्षक कोमल सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में कौमी गश्त कर अपराधियों की धरपकड़ की गई, जिसमें 11 स्थायी वारंटी और 8 वारंटी पकड़े गए हैं। गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुड़ा के निर्देश पर कौमी गश्त कर आदेश दिया गया था। इसमें उप निरीक्षक कोमल सिंह और उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला के नेतृत्व में आईपीएस सीएसपी शशांक के मार्गदर्शन में कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें 11 स्थायी वारंटी सहित 8 वारंटियों की धरपकड़ की गई। पुलिस ने आरोपियों को उस समय पकड़ा जब वे अपने घर में आराम फरमा रहे थे। पुलिस को देखते ही अपराधियों में खलबली मच गई और वे वहां से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, ये कल दिनांक को 31 को पूरे जबलपुर शहर में जिले में कॉम्बिंग गश्त की गई थी, जिसमें उप निरीक्षक कोमल सिंह, सब उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला के नेतृत्व में थाना गढ़ा में सीएसपी श्री शशांक आईपीएस के मार्गदर्शन में 11 स्थायी वारंटी और 8 वारंटी को गिरफ्तार किया गया था और तामीली न्यायालय प्रस्तुत किया गया। ये अलग अलग धाराओं के थे, 138 के भी थे, मारपीट के मामले के भी थे और पुराने मामलों के 25-60। उनको अपने घरों में या जहां भी मुखबिर से जानकारियां मिली उससे गिरफ्तार किया। अब के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।